दियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। अधिकार का सम्मान, 100% मतदान, जागरूक मतदाता, लोकतंत्र की पहचान। रेडियो हेलो वोटर्स, हर वोट है जरूरी। हेलो, नमस्कार, आदाब। ना होने दूंगा किसी को खबरों से बेखबर, क्योंकि मैं रखता हूँ हर हलचल पर पैनी नजर। और मैडम चैताली, उधर कहाँ है आपकी नजर? क्या है आज की खबर? माइक है तुम्हारा इधर। क्या था ये, शायर हो गए हो शिवम, या कवि बनने का इरादा है? अरे नहीं, मैं तो बस अपने आज की बातचीत का एजेंडा बता रहा था, जरा दूसरे अंदाज में। हाँ, अंदाज पसंद आया। देखो चैताली, लक्ष्य पर पहुँचने के लिए लक्ष्य पर रखनी पड़ती है पैनी नजर। बिल्कुल करेक्ट। यस, मंजिल कदम उन्हीं के चूमती है जो लक्ष्य भटकते नहीं है। और ऐसे ही लक्ष्यों को निर्धारित कर लक्ष्यों को पाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग हमेशा ही मिशन मोड में रहता है। क्यों चैताली, am I right? Oh yes, 100%। देखो, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के ढांचे को मजबूत बनाने और देश के सभी वोटर्स का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम करता है। बिल्कुल, असेंबली इलेक्शंस हो या पार्लियामेंट इलेक्शंस, चुनाव से पहले की सभी तैयारियों को इंश्योर करना और इलेक्शन को सक्सेसफुली कराने के लिए सटीक प्लानिंग करना अपने आप में एक चैलेंजिंग प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग अपनी दूरदर्शिता और सटीक प्लानिंग से देश भर में पिछले इतने वर्षों से सक्सेसफुली अपने लक्ष्य को हासिल करते आया है। और शिवम, ऐसी ही प्लानिंग और योजनाबद्ध तरीकों पर आयोग ने 24 जून 2021 को सेक्रेटरी जनरल ईसीआई श्री उमेश सिन्हा जी की अध्यक्षता में एक वर्चुअल स्वीप नोडल अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया। और इस कॉन्फ्रेंस में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कमीशन के साथ स्वीप एक्टिविटीज को शेयर किया। इसके साथ साथ जिन राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, उन स्टेट्स ने इन कॉन्फ्रेंस में अपनी अपनी प्रेजेंटेशन भी दी और अपनी तैयारियों और प्लानिंग को साझा किया। जी, और इस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ और एसएनओ ने शिरकत की। शिरकत यानी पार्टिसिपेट किया। और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं उनके एक्सपीरियंस और लर्निंग्स को साझा करना, और वो भी उन राज्यों के साथ जहां आने वाले दिनों में चुनाव होने, जैसे गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। क्यों चैताली, सही कहा ना? बिल्कुल सही फरमाया आपने मिस्टर शिवम, क्योंकि हर इलेक्शन के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर चुनाव में कुछ नया सीखते हैं। जैसे कोविड जैसे हालातों में सक्सेसफुली इलेक्शन को अंजाम देना किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला और राज्य स्तर पर स्वीप समिति का गठन करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज की जा सकें। आपको बता दें कि अंतिम छोर तक यानी लास्ट माइल तक फैसिलिटीज पहुँचाने के लिए बहुत से बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें चुनावी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब यानी चुनावी साक्षरता क्लबों यानी ईएलसी को मजबूत करने पर जोर दिया गया। और क्योंकि कोविड पैंडेमिक जैसे हालातों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, ऐसे में सभी तक पहुंचने के लिए ये ऑनलाइन एक्टिविटीज एक बेहतरीन ऑप्शन है। बिल्कुल, इसी को देखते हुए ईएलसी एक्टिविटीज का एक दस्तावेज बनाया गया है, जिसका ऑनलाइन वर्जन भी बनाया गया है, जिसे सभी राज्यों के साथ साझा किया ताकि उस पर राज्यों के भी इनपुट्स और सजेशंस लिए जा सके और स्टेट से आए इनपुट्स को उसमें शामिल किया जा सके। करेक्ट। क्योंकि देश में इलेक्शन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और पिछले दो वर्षों में बहुत कुछ बदला है, ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जिन राज्यों में सफलतापूर्वक चुनाव को कराया गया है, उस एक्सपीरियंस और अनुभव को दूसरे राज्यों के साथ भी साझा करें जिन राज्यों में आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। और इस अनुभव से एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिक प्लान और स्वीप एक्शन प्लान तैयार कराने में एक बड़ी सहायता होगी। बिल्कुल, और ऐसे ही कुछ हुआ भी। असम, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और बिहार के राज्यों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी। और इसमें असम के एसएनओ ने अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान एलएमएस यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की ओर अटेंशन देने पर जोर दिया। राइट। इतना ही नहीं, जिस तरह LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफिसरों के लिए यूज किया गया है, इसी तरह लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को वोटर्स के लिए भी डेवलप करने के लिए सुझाव दिए गए,
जिससे वोटर्स को भी इसका लाभ हो। हाँ, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे मतदाताओं को जोड़ने के लिए इसे डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना काफी आसान हो सकेगा। बिल्कुल, जैसे अपने बीएलओ को कैसे खोजें, अपना मतदान केंद्र कैसे खोजें, अपने उम्मीदवारों को जानना और रजिस्ट्रेशन कैसे करें जैसे मॉड्यूल युवा वोटर्स के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। और चैताली, इस तरह के शिक्षण मंच चुनावी साक्षरता क्लबों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोगी हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, चुनावी मशीनरी के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS स्वीप अधिकारियों और ग्राउंड लेवल पर मौजूद दूसरे अधिकारियों के लिए भी समान रूप से किया जा सकता है। हर वोट है जरूरी। तो लिसनर्स, जहां असम ने LMS की तरफ ध्यान दिया, तो वहीं पुदुचेरी में T20 क्रिकेट मैचों का आयोजन किया गया, जिसने अधिक से अधिक वोटर्स को न सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि मतदान से जुड़ी जानकारी देकर अवेयर भी किया। करेक्ट। तुम्हें पता है चैताली, पुदुचेरी के एक सरकारी स्कूल के ELC द्वारा नारियल के गोले और ताड़ के पत्तों से बने एक मॉडल मतदान केंद्र का निर्माण किया गया, जिसे IEVP यानी इंटरनेशनल इलेक्शंस विजिटर्स प्रोग्राम के दौरान भी प्रदर्शित किया गया। अब कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि इंटरनेशनल इलेक्शंस विजिटर्स प्रोग्राम क्या है? मैं क्यों सोचूंगा, मैं तो जानता हूँ। हाँ, अपने लिसनर्स के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। बिल्कुल। ECI ने 2021 में असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के असेंबली इलेक्शन में इंटरनेशनल इलेक्शंस विजिटर्स प्रोग्राम की मेजबानी की। और ये पहली बार नहीं हुआ था। इंटरनेशनल इलेक्शंस विजिटर्स प्रोग्राम का आयोजन पहले भी ECI करता रहा है। बिल्कुल करता रहा है। और इसका मकसद था कि दूसरे देश के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशंस को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिसेस से रूबरू कराना। बिल्कुल करेक्ट। रेडियो हेलो वोटर, हर वोट है जरूरी। अब वापस आते हैं अपने एजेंडा यानी SNO कॉन्फ्रेंस की तरफ। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि पुदुचेरी राज्य ने इको फ्रेंडली मॉडल पोलिंग बूथ बनाया था, उसी तरह केरल ने भी कुछ नया और इनोवेटिव किया था। इसमें केरल राज्य ने अवेयरनेस के लिए एक ऐसा वीडियो बनाकर शेयर किया जिसने खूब धमाल मचाया। लोगों ने उसे बहुत देखा। और ये वीडियो था क्रिकेटर संजू सैमसन का, जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, जो काफी सराहा गया। और शिवम, केरल राज्य ने खास तौर पर रूरल एरियाज के वोटर्स के लिए डाक मतपत्र पर स्थानीय भाषा में एक कलरफुल ब्रोशर भी बनाया, जो विधानसभा चुनावों के दौरान बड़ा सफल रहा और लोगों ने इसमें काफी इंटरेस्ट लिया। बिल्कुल चैताली, स्थानीय लोगों ने इसे खूब पसंद किया था। बिल्कुल। As you know, we are living in a digital world, और ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन एक वक्त था कि हम एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे, अपने जज्बात खतों के जरिए एक दूसरे तक पहुंचाते थे। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है तमिलनाडु ने क्या किया था? बिल्कुल मालूम है। तमिलनाडु ने वही पत्र यानी मेघदूत पोस्ट कार्ड को अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल किया। और इन मेघदूत पोस्ट कार्ड को वोटर्स अवेयरनेस के लिए यूज किया गया। उसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ इलेक्शन अवेयरनेस के मैसेजेस के साथ मेघदूत पोस्टकार्ड प्रिंट करने के लिए टाई अप किया था। बिल्कुल। और राज्य भर के डाकघरों में बांटने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट ने 1,00,000 मेघदूत पोस्टकार्ड छापे थे, जिससे चुनाव जागरूकता को एक व्यापक प्रचार प्रसार मिला। बिल्कुल। और चैताली, पता है तुम्हें, पश्चिम बंगाल में अलग अलग तरह के कई कार्य किए गए, उनके बारे में भी बात हुई, उन्हें डॉक्यूमेंट करने पर भी चर्चा हुई। हाँ हाँ, जानती हूँ। और पश्चिम बंगाल ने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया जिसका नाम था कॉफी विद RO यानी कॉफी विद रिटर्निंग ऑफिसर, जो काफी सराहा गया। बिल्कुल, कॉफी विद करण की तरह, है ना? हाँ, वैसे ही। चैताली, क्या तुम्हें पता है वो कौन सा पहला राज्य था जिसमें कोविड महामारी के दौरान सक्सेसफुली इलेक्शन करवाए गए? बिल्कुल मालूम है, और वो था बिहार। बिल्कुल सही। ऐसे में चुनाव के दौरान प्रवासी मतदाताओं के एक बड़े हिस्से की सुविधाओं और कोविड प्रोटोकॉल एक बड़ी चुनौती थी, जिसे बखूबी अंजाम दिया गया। बिल्कुल। इन्हीं सभी व्यवस्थाओं को सही रूप देने के लिए लगभग 75,000 महिला अधिकारी मतदान केंद्रों पर लगी हुई थी। राइट चैताली, पैंडेमिक जैसी कठिन परिस्थिति में भी बिहार इलेक्शन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। और हाँ, कोविड के चलते बायोमेडिकल कचरे को इकट्ठा करने और निपटाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था। कॉन्फ्रेंस में ये सुझाव दिया गया कि चुनौतियों का समाधान करने के लिए ऐसे सभी अच्छे इनिशिएटिव्स को डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। तो लिसनर्स, आपने सुना, किन विषम परिस्थितियों में भी चुनावों को सक्सेसफुली अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर एक पहलू पर कड़ी मेहनत और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा जाता है।
और यहाँ तो हमने सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स पर डिस्कस किया है, इसके अलावा बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे। राइट चैताली। और शिवम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सभी चुनौतियों को पार करते हुए और उनसे सीख लेते हुए अगली चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बिल्कुल चैताली, और आने वाले चैलेंजेस को मात देकर नए नए कीर्तिमान स्थापित करता है। अब समय है आपसे विदा लेने का, फिर मिलेंगे अगले पड़ाव पर। अब हमें दे इजाजत, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। और हाँ, चुनाव में वोट करते रहिए। अब हमें दे आज्ञा। नमस्कार, नमस्कार।